फ्रेंड्स, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली टू कोलकाता। तो अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और आज हम लोग एयर इंडिया से जा रहे हैं और ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट है। तो हम लोग आ चुके हैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ और एंट्री यहाँ से आपको अपना टिकट और जो आपने ऑनलाइन बुकिंग की उसको दिखाना पड़ता है और आपका एक आईडी कार्ड। और जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पे बोर्डिंग होती है, वहाँ पे आप अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो। तो चलिए बोर्डिंग पास लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हम लोग आ चुके हैं जी ब्लॉक, जहाँ पे हमारी बोर्डिंग पास मिलेगी। ये पीछे है पूरा जहाँ पे हमें बोर्डिंग पास मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये एयरपोर्ट के अंदर का कुछ ऐसा सीन है। इधर बोर्डिंग पास वगैरह मिलता है लेकिन हमें जी सेक्शन में मिलेगा बोर्डिंग पास। और अंदर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बना है और यहाँ पे सारे बोर्डिंग पास अलग अलग एयरलाइंस के जहाँ को आपको जाना है वहाँ का आप ले सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो इधर पूरा ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे आप कुछ खाने पीने का भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, हमने बोर्डिंग करा ली है। तकरीबन आधा एक घंटा लगता है बोर्डिंग कराने में और सिक्योरिटी चेक होती है, इमिग्रेशन होता है यहाँ पीछे। और ये हमारा बोर्डिंग पास है। और जैसा कि अभी हम कुछ अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे और क्या करना है आपको। तो ये जैसा कि आप पीछे देख सकते हो ये ड्यूटी फ्री शॉप है। यहाँ पे आप कुछ भी सामान ले सकते हो, उसका आपका वेट उसमें इंक्लूड नहीं रहता है। और जैसे कि आप परफ्यूम अल्कोहल वगैरह मिल रहे हैं, पीछे कुछ ऐसा सीन है। सारे खाने पीने का भी चीज़ मिल जाता है कि आप पीछे देख सकते हो अल्कोहल है और बहुत कुछ सारे मिल जाते हैं। तो हमने अभी कर ली बोर्डिंग, सब कुछ हम लोग क्लियर है और हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ खाने। बहुत तेज भूख लग रही है और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है एक्चुअली, सारे ब्रांड्स वगैरह मिल जाते हैं और सब कुछ ही एक्चुअली मिल जाता है। और जैसे कि आप हमने यहाँ कुछ खाने हैं, देखते हैं कहाँ चलते हैं। मैकडोनल्ड्स से चलेंगे तो मैकडोनल्ड्स में जाकर आपको बताता हूँ। और हमने कुछ यहाँ ख़रीदा भी है, आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आ गए हम, रहिए कुछ खाने वाने का आ गया है यहाँ पे। KFC वगैरह थोड़ा हमें अच्छा लगता है इसलिए मंगा लिया। और उसने एक ये कश्मीरा पे शर्ट लिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। कश्मीरा इंडियन ब्रांड है और मतलब बहुत अच्छा लगता है उसका। तो चलिए थोड़ी देर में मिलता है खाना वाना खा के। और हम लोग की बोर्डिंग है, आपको बोर्डिंग हमारी है 7:30 बजे, 7:30 बजे की बोर्डिंग है। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी 7:05 हो गए। तो थोड़ी तब तक खा लेता हूँ और आगे का सीन क्या है मैं आपको चैनल पर दिखाता हूँ। शायद ऑडियो अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, तेज बोलना पड़ रहा है मुझे। और ये कैंपस का पूरा अंदर का ही है। यहाँ का तो व्यू बहुत अच्छा है। और अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग करने क्योंकि हमारी बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गई है और थोड़ा गेट में बदलाव भी आ गया है। तो वो पीछे एक बुद्धा का मंदिर रखा हुआ है, बहुत औसम दिख रहा है। मतलब औसम तो है और भी औसम दिख रहा है इसमें। तो जैसे कि यहाँ पे यार शॉप्स बहुत ज़्यादा है, आपको अगर कुछ भी लेना हो तो थोड़ा ओवर प्राइस तो पड़ता है बट मिल जाता है आपको। बट ड्यूटी फ्री शॉप में जाओगे तो वहाँ पे आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आप वहाँ जाके ट्राई कर सकते हो। पहली बार चल रहे हो तो इन्जॉय करो और
थोड़ा पहले आ जाया करो यार यहाँ पे, कि सब कुछ समझ में आ जाए कैसा क्या है, ठीक है? तो इट्स बहुत हेल्पफुल रहता है। ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, फिर कभी। जो बताऊँ तो मुझे पहली बार ट्रेन में बैठने की इतनी खुशी नहीं है, बट जो मैंने अभी देखा उसकी बहुत खुशी है। मैं अभी अरजीत सिंह के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, डू यू बिलीव दैट अरजीत सिंह? मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ कि मैं अरजीत सिंह के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ी वीडियोस उसको बाद में दिखाता हूँ, और शायद ये ऑटोग्राफ है उनका। दिस इज ऑटोग्राफ ऑफ अरजीत सिंह, और मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा अभी, वो जो मैं उनके पीछे से लिया, बस फोटो लेना अलाउ नहीं था उनके पास, तो मैं नहीं दिखा पाया, सॉरी। फ्रेंड्स, आ चुके हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट, और ये रहा हमारा पूरा जर्नी। हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि अरजीत सिंह है, क्योंकि मैं पीछे से बोल रहा था भाई को कि भाई देखो वो शायद अरजीत सिंह होगा, बट खास पास में जाके देखा तो भाई बहुत डाउन टू अर्थ था। मेरा तो फेवरेट है ही यार, मगर मैं क्या बताऊँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ मेरे आँखों पर कि भाई वो अरजीत सिंह है। तो कोई नहीं, मैं अभी तो एयरपोर्ट आया हूँ, अब पी रहा हूँ चाय मुझे अच्छी लगती है, और भी 12 बज रहे हैं। उसका कुछ लगेज मिसिंग हो गया था तब वो, और मैं अपना ट्रिप यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बट आज नेक्स्ट की वीडियोज़ और भी इंटरेस्टिंग होगी, और तो यहाँ तक देने के लिए शुक्रिया। लाइक का बटन दबा के जाना यार, और सब्सक्राइब तो